मेरी बेटी के साथ तू भी रहेगा, तू वहां जाकर क्या करेगा? बच्चे का देखभाल कर, माछी ने बैठे दिया, और ना तो सुगा टोट मार। मेरी बेटी कोई सेब संतरा नहीं है, बहादुर है, शिकार पर जा रही है, जाओ, गलती नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं महाराज, इसको मत भेजिए। ये एक दिन अपनी बहन के साथ बाजार गया था, ऐसा लगा रास्ते में उसको आंखी मार रहा था। अबे आंखी कहां, जा यहां से, जाओ। महाराज हाँ, मेरे लिए क्या हुमुक है? मैं चलता हूँ अपने सैन कच्छ में, आराम करेंगे। यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर है। आपके आपके हुमुक का पालन होगा। क्या जाओ, चाबुक लेकर आओ पहले। ठीक है, चलता हूँ गुरुजी के अड्डे पर तलवार सीखने, उसके बाद मैं आऊंगा तो कॉलेज जाऊंगा। गुरुजी का अड्डा यहाँ से काफी दूर है, मनोरंजन के सवारी के साथ में मैं गुरुजी के अड्डे पर रखना चाहता हूँ। मैं निकला गड्डी लेके, मीठा मीठा करती है
काहे साहस है कोयलिया गाती है पायलिया झनकाती है सर्दी हवा जब आती है सुई चुभा के जाती है नदिया के पानी ने छुपा खेलते काफी दूर निकल आई लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आया, इसलिए मेरा दिल कहता है कि मैं यहीं पर थोड़ी देर विश्राम कर लूं, उसके बाद आगे चल के शिकार को देखती हूं। हेलो, ध्यान दीजिएगा, राजकुमारी मधुमती शिकार खेलते खेलते परेशान हो गई, एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगी, वहीं पर एक विशाला सर्प निकला, राजकुमारी मधुमती को डस लिया। ये नजारा कुछ दूर से बंजारा सूरत देख रहा है, दौड़ते हुए मधुमती के पास पहुंचा बंजारा सूरत। ये मैं क्या देख रहा हूँ, इस लड़की को तो सांप ने डस लिया है, किसी बुजुर्ग ने कहावत में कहा है जहां पर सांप ने डंक मारा हो वहीं पर चील लगाकर अगर उसका खून निचो दिया जाए तो शायद आदमी जिंदा बच सकता है, क्यों ना मैं सकता। जहां पर सब दशा है सूरज ने वहीं पर चीर मारा और मुख से विष चूस चूस कर फेंकने लगा, विष चूस चूस कर फेंक रहा है। धीरे धीरे राजकुमारी मधुमती के होश आ रहा है, होश आ रहा। तो जवान मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोले देवी जी, आप क्या कहना चाहती हैं? नौजवान में रूप में आई करियर मेरी बचाई, या आपका दिल में मैंने
परियायो मधुबन के कठायो की राजकुमारी नाम मधुमती है। राजकुमारी जी, जी आप पन्नापुर रियासत की राजकुमारी जी? जी हाँ। आपने जो कहा राजकुमारी जी मैंने सुना, लेकिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा। कहिए, कहना क्या चाहते हैं आप? राजकुमारी जी सुनो, आप हमारी बात और बिन सोचे समझे हुए और किया